खबर मुंबई से है, जहां की गोरेगांव इलाके से क्राइम ब्रांच ने एक 9mm पिस्टल और एक AK-56 राइफल जब्त की है। इस बरामदगी से पूरे शहर में सनसनी है। अनवल डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी नईम खान के घर से पुलिस को यह सब कुछ मिला है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे के घर से जैसे ही इन हथियारों को पुलिस ने पकड़ा, पूरे शहर में सनसनी मच गई। इन हथियारों में AK-56 है, 97 कारतूस है, 9mm के पिस्टल है और 3 मैगजीन है। क्राइम ब्रांच की टीम जब छापा मारने पहुंची थी तो पुलिस को यकीन नहीं था कि दाऊद गैंग के गुर्गे नईम खान के घर से इतने हथियार मिलेंगे, लेकिन जब कारतूस के बाद कारतूस मिलने लगे, हथियारों के बाद हथियार मिलने लगे तो पुलिस हैरान रह गई। आखिर मुंबई में इन हथियारों का क्या काम? कहीं फिर से मुंबई के माहौल को बिगाड़ने की साजिश तो नहीं हो रही? कहीं फिर से मुंबई में गैंग वॉर तो नहीं शुरू हो रहा? आगे का इन्वेस्टिगेशन एंटी एक्सट्रॉशन सेल कर रहा है। किस काम के लिए हथियार लाया गया था, कब लाया गया था, किस रूट से, किस चैनल से लाया गया था और बाकी गैंग से, छोटा शकील गैंग से इसका क्या कनेक्शन है, उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ठाणे पुलिस ने 2 दिन पहले 2 ड्रग तस्करों शौकत कश्मीरी और संजय श्रॉफ को गिरफ्तार किया था। इन दोनों से पूछताछ के बाद ही पुलिस नईम खान के घर तक पहुंची थी। पुलिस को पता चला था कि कई हथियार नईम खान के घर में छुपा कर रखे गए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम जब नईम खान के घर पहुंची तो खबर पक्की निकली। पुलिस नईम खान की बीवी यास्मीन खान को पकड़कर थाने ले आई। नईम खान दाऊद इब्राहिम के लिए मुंबई में काम करता है। एक बार अट्टारवाला की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप है। एक बार अट्टारवाला कभी दाऊद के लिए काम करता था। नईम खान फिलहाल मुंबई की एक जेल में बंद है। जो पुलिस की तफ्तीश में चीजें सामने आ रही हैं कि जब अट्टारवाला केस के वक्त फहीम की गिरफ्तारी हुई थी, उसके 6 महीने पहले आज गिरफ्तार हुए 2 ड्रग पेडलर्स को ये AK-56 छिपाने के लिए दी गई थी और 3 महीने पहले ही इन लोगों ने इस AK-56 को यास्मीन के घर पर छिपाया था। सवाल उठता है कि AK-56 जैसा घातक हथियार उन लोगों ने अपने पास क्यों रखा था? चूंकि नईम खान जेल में बंद है, लेकिन उसके बाद भी उसके घर में हथियार मिले हैं, इससे पुलिस अब पति पत्नी दोनों से पूछताछ कर रही है। यास्मीन खान 11 जुलाई तक पुलिस हिरासत में है। पुलिस अब पता करने की कोशिश कर रही है कि हथियार छिपा कर क्यों रखे गए थे। पुलिस दावा करती थी कि अवैध हथियारों का कारोबार मुंबई में खत्म हो चुका है, लेकिन एक ही घर से 90 कारतूस मिलने के बाद पुलिस भी हैरान और परेशान है। सुधीर शुक्ल, इंडिया TV, ठाणे।